एक और मामला है जो आजकल चल रहा है, वो सीसीटीवी का मामला है। मैं एक विधायक होने के नाते आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं जब जब जिस जिस कॉलोनी के अंदर जाता हूं, ज्यादातर सब जगह लोग ये कहते हैं कि सीसीटीवी कब लगेंगे। पुलिस वालों से जब जब मीटिंग होती है कि हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारे यहाँ दुकान लूट गई, हमारे यहाँ किसी बच्ची के साथ मोलेस्टेशन हो गया, पुलिस वाले एक चीज कह देते हैं एसएचओ साहब, भैया सीसीटीवी लगवा लो अपने। और लोगों के ऊपर जोर दिया जाता है, आरडब्ल्यूएस के ऊपर जोर दिया जाता है कि आप अपने पैसों के सीसीटीवी लगवा लो। दिल्ली पुलिस ने कभी नहीं लगवाया अपने सीसीटीवी। आज एलजी साहब कहते हैं कि नहीं, सीसीटीवी जो है ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए मेरे अंदर आता है। तो भैया तुम लगवा देते सीसीटीवी, अब तक क्यों ना लगवाए तुमने। हमारे यहां जब धरना करने आते हैं विजेंद्र गुप्ता और अजय माकन, तो हम बता देते, तभी बोल देते हैं एलजी साहब कि मेरा मामला है, मेरे पास आया करो, मैं लगवाऊंगा। या दिल्ली पुलिस लगवा देती, इन्होंने तो नहीं लगवाए ना। इन्होंने कभी कहा कि हम लगवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है। आज जब सीसीटीवी का टेंडर हो गया है, कंपनी डिसाइड हो गई है, देश की सबसे बड़ी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का काम करने वाली पीएसयू बीएल को जब ये ठेका दिया गया है, तो ये कह रहे हैं कि हम लगाएंगे, और इससे पहले इसके ऊपर एक कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे पहले कि क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्या एसओपी होने चाहिए, किसी की निजता के ऊपर तो ना फर्क पड़ जाए। ये सब चीजों की जांच अब एलजी साहब करना चाह रहे हैं। और इनकी मदद कौन कर रहे हैं इसके अंदर? भाजपा के नेता अपने अजय माखन जी, जब जब कांग्रेस में है अभी तो काम भाजपा का कर रहे हैं, अभी कांग्रेस में है। मोहल्ला क्लिनिक का काम जब रुकवाना हो तो एलजी साहब फोन करते हैं अजय माखन साहब को कि तुम्हें कंप्लेंट दे दो, मैं इनकी सारी मोहल्ला क्लिनिक रोक दूंगा। अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। एलजी साहब को कंप्लेंट देते हैं, एलजी साहब एसीबी में दे देते हैं। एक साल तक मोहल्ला क्लिनिक का एक काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कहते नहीं, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, हम जांच कर रहे हैं। शिकायत किसकी? अजय माकन की है। उस जांच का क्या हुआ आज तक अजय माकन ने नहीं बताया, ना ही एलजी साहब ने बताया कि वो जांच कहां किस कुएं में रह गई, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। अंततः माना कि उसके अंदर कुछ नहीं था और मोहल्ला क्लिनिक को इन्होंने अप्रूवल दी। बिल्कुल वैसे ही सीसीटीवी के अंदर है। ये लोग नहीं चाहते कि सीसीटीवी का काम दिल्ली के अंदर हो, इसलिए एलजी साहब टांग अड़ाते रहे, पहले तो अफसरों से टांग अड़ाते रहे। अब बड़ी मुश्किल से अगर इसका टेंडर हो गया है तो एलजी साहब ने कमेटी बना दी। कमेटी क्या बनाई? हम इसके अंदर देखेंगे कि कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी के फीचर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा। और इधर से माकन साहब को कागज दे दिए कि तुम इसके अंदर बोलो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपसे बिल्कुल बेसिक बात करना चाहता हूं कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अजय माकन जी ने की तो क्या कहा था? भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या किया उन्होंने? टाटा ऑफिस। आज नहीं बताया उन्होंने इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है? आज क्यों नहीं बताया कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है, कितने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है? आज कह रहे हैं कि नहीं, वो बीएल को दिया है वो तो ठीक है, मगर बीएल जिसको आगे देगी वो ठीक नहीं है। बीएल किसकी कंपनी है? केंद्र सरकार की कंपनी है, मोदी जी की कंपनी है। मोदी जी आगे किसको काम दे रहे हैं? क्यों चाइना गए थे, किससे मिल के आए थे? मोदी जी से पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो तुम? और सवाल है उस कंपनी के भी बात पे ले लेते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि एक कंपनी है जिसके कैमरे जो है बीएल खरीदेगी, अभी खरीदे नहीं है, खरीदेगी। आप में से किसी ने अगर आज तक बीएल के कैमरे कहीं पे देखे हो तो मुझे बताइए, कहीं देखे हैं बीएल के कैमरे? कैमरे किसके होते हैं? जॉनसन कंट्रोल के होते हैं, हनीवेल के होते हैं,
सीपी प्लस के होते हैं, जी के होते हैं, एलजी के होते हैं, इनमें से कौन सी कंपनी है जो भारत की है? एक भी नहीं है। इनमें से कौन सी कभी किसी ने देखे हैं बीएल के कैमरे? जाहिर सी बात है कि बीएल अगर एक सरकारी कंपनी अपनी गारंटी पे एक ठेका लेती है, देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी डिफेंस की, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी कंपनी के तो कैमरे लेगी। अब ये कह रहे नहीं साहब, ये जिस कंपनी के कैमरे लेगी वो चाइनीज कंपनी है, तो इसके अंदर भ्रष्टाचार का आरोप कहां पे है? कहां पे लिखा हुआ है कि चाइना की कंपनी से लेना बंद है? ये तो मंत्री थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन्होंने कानून बनाया होता कि चाइना की कंपनी से कैमरे लेना पाबंदी है, या मोदी जी ने बनाया है? और अब जो मैं खुलासा करने वाला हूं उससे ये बात साबित हो जाएगी कि अजय माकन वाकई में, मैं नहीं मानता था, अब मैं मान चुका हूं, अजय माकन पप्पू है। ये मेट्रो का कागज है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये मेट्रो का ठेका है, देश की जानी मानी सरकारी संस्था, इसका ठेका, और ये पुराना नहीं, अभी का ही है, कुछ दिनों पहले का, इसमें इन्होंने ठेका दिया है सीसीटीवी कैमरा मॉडल डीएस मेक हिकविजन। हम ही कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी से समझौता। माकन जी अभी अभी जागे नींद से, माकन जी को मालूम ही नहीं है जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कैमरे की कंपनी है। और यहां पे नहीं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इनके कैमरेज लगे हुए हैं, एचपीजी में इनके कैमरेज लगे हुए हैं, डीआरडीओ में इनके कैमरेज लगे हुए हैं, हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं, स्कूल्स में लगे हुए हैं, रेलवे में लगे हुए हैं, मेट्रो में लगे हुए हैं, बॉर्डर्स में लगे हुए हैं, डिफेंस में लगे हुए हैं, एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं, पुलिस पे लगे हुए हैं। और ये कह रहे हैं हमने, केजरीवाल ने यहां से सीधा समझौता कर लिया भारत की सेफ्टी और सिक्योरिटी से चाइना की कंपनी का। क्यों भैया? चाइना की नहीं तो जर्मनी की आ जाती, जर्मनी की तो नहीं तो यूके की आ जाती। माकन जी की किससे साठ गांठ है वो बता दे, एलएनटी से है, बता दे, खुल के बता देना। एलवन जो है जिसका सबसे कम का ठेका है वो तो बीएल का है, सरकारी कंपनी का है। अब ले देखे रो धो के अगर इसका ठेका कैंसिल करा दोगे तो किसको दिलवा दोगे? एलएनटी को, प्राइवेट कंपनी को दिलवा दोगे। तो माकन जी खुश है, एलएनटी बनाती है अपनी कैमरे, पूछो माकन जी से एलएनटी के कैमरे देखे, एलएनटी सीपी प्लस से खरीद लेगी, वो भी बाहर की कंपनी है। तो ये जो उन जुनून बात अजय माकन जी कर रहे, मुझे लगता है बहुत दुख की बात है। मैं सोचता था ये काफी बड़े आदमी है, दिल्ली के एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, मुझे लगता है उनकी डिग्री चेक करानी चाहिए, अजय माकन जी की डिग्री पक्का चेक करानी चाहिए, मुझे उनकी डिग्री के ऊपर पूरा शक है। आप भी पत्रकार होने के नाते इसके बारे में जांच कीजिएगा। अब मुझे इनके ऊपर पूरा शक है, इनकी डिग्री के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये इस तरीके की बेवकूफाना बात नहीं करते।